स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आपके साथ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेके, एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके, और जिसका नाम है ओथेलो। ये हमने लिख दिया है यहाँ पर ओथेलो, और आगे लिखा है द मूर ऑफ वेनिस। ये प्ले है, ये ट्रेजडी है, ये जो फोर ग्रेट ट्रेजडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, उनमें से एक है ये फोर ग्रेट ट्रेजडी। में तीन हम पहले पढ़ा चुके हैं, जैसे किंग लियर हमने पढ़ा दिया, मैकबेथ पढ़ा दी है, और हमने हैमलेट भी पढ़ा दिया, और ये लास्ट ट्रेजडी है ओथेलो। तो आज हम ओथेलो पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ओथेलो पढ़ाने से पहले देखिए, ओथेलो का एक नाम है द मूर ऑफ वेनिस, इसके लिए मूर ऑफ वेनिस भी कहते हैं, और इसके लिए 1603 और 4 के बीच में इसको लिखा गया था। अब बात हम ये कहें कि ओथेलो कहाँ से ली गई है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओथेलो, ओथेलो का सोर्स क्या है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने कोई ना कोई प्ले कहीं ना कहीं से लिया है, तो इसको भी कहां से लिया है, इसका सोर्स है। सोर्स इसका सोर्स क्या है, हिकैटोमिथी, एक बुक का नाम है हिकैटोमिथी, हिकैटोमिथी। अब ये हिकैटोमिथी जो अब बुक है, ये किसने लिखी है, इसको लिखा है बाई सिंथियो ने इसको लिखा है, और कब लिखा है ये भी आप देख लीजिए, 1565 में इसको लिखा गया था। आप देखिए हिकैटोमिथी कंपोज बाई सिंथियो 1565 में जब इस बुक को लिखा गया था, तो विलियम शेक्सपियर ने इस बुक को पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद में एक नई बुक, एक नई ट्रेजडी डिजाइन कर दी, जिसका नाम है ओथेलो। अब ये तो इसका सोर्स हो गया हिकैटोमिथी, ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका है कि जो ओथेलो है उसका सोर्स क्या है। अगर हम कहें कि इसकी सेटिंग क्या है, ये जो प्ले है वो कहाँ पर नजर आता है, इसकी पूरी की पूरी स्टोरी कहाँ पर प्ले होती है, तो इसकी जो पूरी स्टोरी है, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वी फाइंड वेनिस, माने वेनिस में इसकी कहानी नजर आती है, और कहाँ पर नजर आती है, इन फर्स्ट एक्ट में जो स्टोरी है वो प्ले होती है वेनिस में, एंड सी पोर्ट। इसके बाद में एक सी पोर्ट पर पूरी कहानी प्ले होती है, जिसका नाम होता है साइप्रस, सी पोर्ट इन साइप्रस। ये इसकी सेटिंग है, माने शुरू शुरू में जो कहानी है, जो प्ले होती है, तो वेनिस शहर का जिक्र होता है, और इसके बाद में पूरी की पूरी जो कहानी है वो साइप्रस में प्ले होती है, और वहीं पे पूरी की पूरी स्टोरी एंड हो जाती है। इसके बाद जैसा कि हमें मालूम है हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, इसके बाद हम करेक्टर डिस्कस करेंगे, और करेक्टर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं करेक्टर्स, माने 6-7 क्वेश्चन जो हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, एलटी के एग्जाम में करेक्टर से रिलेटेड आते हैं, और एक एक करेक्टर मैं यहां पर लिखूंगा। तो सबसे पहले हमारा जो करेक्टर है वो आपको मालूम है कौन सा है, ड्यूक ऑफ वेनिस है, यहां पे लिख लो ड्यूक ऑफ वेनिस। देखिए ड्यूक ऑफ वेनिस का नाम नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वी फाइंड अ करेक्टर ड्यूक ऑफ वेनिस। अगर कहा जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ ड्यूक ऑफ वेनिस, इट इज अननोन। नेक्स्ट हम करेक्टर देखेंगे, सबसे जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है ओथेलो का। ओथेलो ये क्या है, द मूर एक हफ्सी है, और ये क्या है, अ जनरल इन वेनिसियन आर्मी। ये ओथेलो है, ओथेलो क्या है, दिमू माने हफ्सी है, जनरल माने जनरल है, माने वेनिस की आर्मी का जनरल है, माने सबसे बड़ा पद है मिलिट्री का, सबसे बड़ा पद जनरल ही तो होता है, आज तो इससे भी बड़ा पद एक बना दिया गया है फील्ड मार्शल का, लेकिन मिलिट्री का सबसे बड़ा पद जो है वो जनरल होता है। ये मूर है, इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी का नाम है डेस्डेमोना,
देखिए डैश डे मोना, ये इसकी वाइफ है, डेस्डेमोना। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ डेस्डेमोना, डेस्डेमोना के पापा का नाम है ब्राबांसियो, ऐसे लिखते हैं ब्राबांसियो, ब्राबांसियो ये इसके फादर है, किसके, डेस्डेमोना के, आप लिख लो डेस्डेमोनास फादर ब्राबांसियो। इसके बाद में प्यारे बच्चों आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्राबांसियो क्या है, ये सीनेटर है, सेनेटर माना होता है सांसद। देखिए इटली में सांसद को सेनेटर कहते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में सांसद को एमपी कहते हैं। इन इटली बी कॉल मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेनेटर, सांसद को हम सेनेटर कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ब्राबांसियो, ब्राबांसियो के भाई का नाम है ग्रासियानो, ग्रासियानो ऐसे लिखते हैं ग्रासियानो। ये क्या है, ये ब्राबांसियो के ब्रदर है, भाई, ये भाई है, ये भी क्या है, ये सेनेटर है, ये भी सांसद हैं। देखिए बहुत बड़े फैमिली का जिक्र है, सांसद लोग हैं। इसके बाद में जो अगला करेक्टर है वो है लोडोविको, आप देखो लोडोविको, लोडोविको ये कौन है, ये किंग्समैन है, रिश्तेदार हैं, किंग्समैन है, किसके रिश्तेदार है, टू ब्राबांसियो, ब्राबांसियो के रिश्तेदार है भैया, कौन रिश्तेदार है, लोडोविको। इसके बाद में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सा करेक्टर है वो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। अब मैं इस तरफ देखिए यहां पर लिखता हूं तो सारे स्टूडेंट पे अटेंशन टू इट, सिक्स करेक्टर है रोडर युगो। देखिए रोडर युगो ऐसे लिखते हैं RODER IGO, रोडर युगो। अब आप कहेंगे सर रोडर युगो क्या है, रोडर युगो जानते हो क्या हुआ है, बेनिस का एक जेंटलमैन है, बहुत बड़ा रिच व्यक्ति है ये, माने रिच जेंटलमैन ऑफ बेनिस, और ये क्या होता है इन लव, ये पागल होता है इन लव विद डेस्डेमोना, ये डेस्डेमोना के प्यार में दीवाना होता है भाई, बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, और जो डेस्डेमोना के पापा होते हैं वो इससे पहले से ही कह देते हैं कि हम अपनी लड़की का हाथ जो है तुम्हारे हाथ में देंगे, अपनी लड़की की शादी जो है तुमसे करा देंगे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो और यंग हो, जेंटलमैन हो, बेनिस के रहने वाले हो, तो इसको ये पहले से भरोसा हो जाता है कि डेस्डेमोना विल मैरी मी। नेक्स्ट कैरेक्टर इज यागो, देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी का, यागो, पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो यागो पे घूमती है। यागो ये क्या है, अ सोल्जर, एक सैनिक होता है, किसकी आर्मी में, इन ओथेलोस आर्मी, ओथेलोस आर्मी, ओथेलोस की आर्मी का ये क्या होता है, सैनिक होता है। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इमेलिया, देखो कैसे लिखेंगे इमेलिया, इसका नाम है इमेलिया, हालांकि जिसके दिल में मैल बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छी लड़की होती है, लेकिन इसका नाम होता है इमेलिया। ये क्या है, ये इसकी वाइफ है, यागो की वाइफ है, और ये मेड सर्वेंट किसकी है, डेस्डेमोना की। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर जो है माइकल कैसियो, आप लिख लो यहाँ पे माइकल, ऐसे लिखते हैं भाई माइकल कैसियो, कैसियो की स्पेलिंग ये है, माइकल कैसियो, जिसे हम कहते हैं कैसियो। ये भी क्या है, आज सोल्जर है, ये भी एक सिपाही है। नेक्स्ट इज करेक्टर बियानका, लिख लो यहां पे बियानका, बियानका ये क्या है, इसकी मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस मींस इसकी लवर है, इसकी लवर है, और ये जानते हो पहले ये बैस्या थी, भोर थी, भोर मानो था बैस्या, ये बियानका। और अगला इसमें जो करेक्टर है प्यारे बच्चों वो है मोंटेनो, आप ऐसे लिखते हैं मोंटेनो। अब आप कहेंगे सर मोंटेनो क्या है, मोंटेनो इज अ गवर्नर इन साइप्रस, मोंटेनो साइप्रस का जानते हो क्या होता है, साइप्रस गवर्नर होता है, ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता है। विलियम शेक्सपियर ने छोटे मोटे लोगों का जिक्र ही नहीं किया, विलियम शेक्सपियर ने तो सब बड़े बड़े राजा महाराजाओं का सबका जिक्र किया। ये क्वेश्चन भी आता है कि विलियम शेक्सपियर ने किन लोगों का जिक्र किया, तो किंग्स, नॉबल्स। और अगला जो करेक्टर है वो है बार बार, और ई और लगा दो,
बारबरी, और ये क्या है ओथेलोस, ओथेलोस मदर, ओथेलो की मम्मी की ये क्या है मेड है, मेड माने होता है दासी या नौकरानी। मेरे हिसाब से जो है ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इसके अलावा कोई करेक्टर बचा नहीं भाई। मेरा जहां तक मानना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर इसमें है भी नहीं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर यही है। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इनके लिए जो है आप थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करना। और अब मैं इसकी कैप्सूल समरी बताता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेट अस स्टार्ट। अब कैप्सूल समरी में मैं यहाँ पे इसकी बताता हूँ कहानी, और देखिए कितनी सुंदर कहानी है, और पूरी की पूरी कहानी वो एक ही चीज पे आधारित है कि हर चीज का इलाज है, शक का कोई इलाज नहीं, डाउट का कोई इलाज नहीं। भाई आपको मालूम है ऐसे आज तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना है जो शक की बीमारी की दवा दे दे, आजकल कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना है जो कहीं पर भी जो डाउट का इलाज कर दे। तो पूरी की पूरी कहानी इसी पे है कि अगर हम बेफालतू में किसी महिला पे शक करेंगे तो अंजाम दोनों का ही गलत होगा। तो अब इसको क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या इसका आउटकम होगा, क्या इसका आउटपुट होगा, ये तो बाद में देखेंगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्या देखेंगे, ओथेलो के ऊपर नजर डालते हैं। ओथेलो एक एजेड व्यक्ति है, मूर हफ्सी है, काला है, लंबा चौड़ा है। आप देखिए ओथेलो से ही पता चल जाएगा ओथेलो कैसा है। ओथेलो माने हैवी, ओथेलो माने भारी, ओथेलो माने हट्टा कट्टा। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ ओथेलो, ओथेलो माने क्या होता है, आप कहेंगे ओथेलो माने हैवी, ओथेलो माने होता है कंबर्सम, ट्रेमेंडस, बड़ा। तो वैसा ही उसका काम है, वो बहुत बड़ा जनरल होता है, बहुत बड़ा सैनिक होता है, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, काला, हफ्सी होता है। अब ये जो ओथेलो होता है भाई, बड़े लोग हैं, जनरल है, तो सांसद के घर पर इसका आना जाना होता है, और वो सांसद जो होते हैं उनका नाम होता है ब्रावेंसियो। ब्रावेंसियो के घर पर जब आना जाना होता है तो ब्रावेंसियो की जो लड़की होती है डेस्डेमोना से जाहिर सी बात है मुलाकात हो ही जाएगी, क्योंकि जब आना जाना होगा तो लड़की के जो बातचीत है वो कभी ना कभी तो हो जाएगी। तो ब्रावेंसियो जो है अपनी कहानी सुनाता है कि मैं पहाड़ पे चढ़ा और मैंने समुद्र में से दुश्मनों को मारा, इतनी परेशानियां हुई और मैं हिम्मत नहीं हारा, मैंने बहुत तीर मारा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अब डेस्डेमोना आकर्षित हो जाती है, अब आकर्षित हो जाती है और इतनी आकर्षित हो जाती है कि वो उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, उसके साथ भाग जाना चाहती है। वो कहती है कि आई विश टू मैरी यू, आई विश टू हैव यू एज माई हस्बैंड, मैं तुम्हें हस्बैंड के रूप में देखना चाहती हूँ, और उससे भाग के शादी कर लेती है। अब भाग के शादी कर लेती है, अब देखना, अब मैं इस कहानी को यहाँ पे रोक देता हूँ, अब दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। अब दूसरी तरफ जो है हम चलते हैं यागो की तरफ। अब देखिए यागो और कैसियो, यागो और कैसियो दोनों के दोनों क्या है, सोल्जर हैं। अब जब दोनों के दोनों सोल्जर हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा, या फिर नहीं भी मिटा देता हूँ, चलो ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि मैं आपको रिटर्न में भी दूंगा। अब यागो और कैसियो के हैं दोनों सोल्जर हैं। अब या दोनों सोल्जर हैं, यागो अपने आप को, यागो वैसे भी क्लेवर है, 28 साल की उम्र है और अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मानता है। कैसियो नया लड़का है, स्मार्ट है, हैंडसम है, वो ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं है। तो लेकिन होता क्या है, ओथेलो यागो के लिए कोई भी प्रमोशन नहीं देता है और माइकल कैसियो को वो लेफ्टिनेंट बना देता है। क्या बना देता है, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट, और इसे हिंदी में कहते हैं लेफ्टिनेंट। आप याद रखना, इंग्लिश में कहेंगे ल्यूटिनेंट बना देता है और इंग्लिश में कहेंगे इसे लेफ्टिनेंट बना देता है। अब कैसियो क्या हो गया, कैसियो हो गया लेफ्टिनेंट, और यागो जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते रहे, वो जैसे थे वैसे ही रहे। अब देखिए एनसाइन मान होता है, माने एनसाइन मान होता है सैनिक, वो सैनिक ही रहे। अब ये क्या बन गया, लेफ्टिनेंट। अब ये लेफ्टिनेंट बन गए, बस यागो को यही बात जो है चुभ जाती है कि मैं इंटेलिजेंट, मेरी उम्र 28 साल,
मैं बुद्धिमान, मेरे लिए बनना चाहिए लेफ्टिनेंट। अब बना दिया एक अनाड़ी लड़के के लिए, मैं इसके लिए इस उथैलो को छोड़ूंगा नहीं, उथैलो को तबाह कर दूंगा, पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दूंगा। ये बात जो है यागो पूरी तरीके से कसम खा लेता है, अंदर ही अंदर कसम खा लेता है खुदा की कि मैं जो हूं उथैलो को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पद मुझे मिलना चाहिए, दे दिया कैसियो को। अब देखिए अंदर की जो जेलेसी है वो बहुत खतरनाक होती है। अब उसके लिए बर्बाद करना था उसे, अब बर्बाद वो कैसे करेगा, वो प्लानिंग बना लेता है कि कोई ना कोई मेरे लिए जैसे रास्ता मिलेगा तैसे उथैलो का नेस्तनबूत कर दूंगा। और जब उसे पता चलता है कि उथैलो ब्रावेंसियो सांसद की लड़की को भगा कर ले गया, बस उसे रास्ता मिल गया, उसने यागो ने तुरंत रोडरिक यागो को पकड़ा और रोडरिक यागो से कहा कि तुम्हारी होने वाली पत्नी भाग गई, चलो ब्रावेंसियों के घर पे चलते हैं। और ब्रावेंसियों के घर पे तुरंत जो है खटखट की आवाज करते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी लड़की कहाँ, तुम्हारी लड़की भाग गई। ब्रावेंसियों कहता है मेरी लड़की जो है बंगले में होगी। वो कहते हैं देखो साहब बंगले में है या नहीं, बंगले में देखते हैं तो गायब होती है। आप ब्रावेंसियो भी ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, ब्रावेंसियो ग्रेसियानो लोडोविको सब अपनी फोर्स को भेजते हैं कि उथैलो को पकड़ के लाइए, उथैलो से हमें जो है अपनी बेटी चाहिए। लेकिन उथैलो जब लड़की लेके भागा है तो अंडरग्राउंड हो गया, गायब हो गया, वो मिलने वाला कहाँ। लेकिन अब जो है ब्रावेंसियो अपना जो केस है वो बादशाह के पास में लेके जाता है और कहता है बादशाह साहब हुजूर मेरी लड़की जो है उथैलो से दिलवाइए। और ऐसा ऐसा कांड हो गया है, ड्यूक राजा बादशाह तो बादशाह ड्यूक पकड़वा लेता है उथैलो लड़की के लिए। अब क्या होता है, केस लड़ा जाता है, उथैलो से कहा जाता है आप अपनी सफाई पेश करेंगे और डेस्टोमोना से कहा जाता है कि आप अपनी सफाई पेश करेंगे। अब दोनों ड्यूक जो है वो सामने बैठा हुआ है, ब्रावेंसियो तुरंत खड़ा हो जाता है, ब्रावेंसियो कहता है कि साहब हुजूर मिलॉर्ड मेरी लड़की के लिए इसने जो है जादू टोनों का इस्तेमाल किया है, दवा का इस्तेमाल किया है, किसी न किसी नशीले पदार्थ आबो हवा का इस्तेमाल किया है, मेरी लड़की बहुत ज़्यादा भोली और सुंदर है, इसी उम्र में बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा नहीं हो सकता है, किसी न किसी जादू टोना का बीच क्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया है। उथैलो कहता है मिलॉर्ड क्या बोलने की आज्ञा है। उथैलो कहता है कि साहब मैंने ना किसी जादू टोने का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने किसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल किया है, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, और ये लड़की जो है इसने मुझसे सच्चा प्यार किया है, भले इसने मेरी साहसिक कहानियों पर एतबार किया हो, इसने कुछ भी सही मुझसे शादी की है ईश्वर को साक्षी मानते हुए पूरे होशावास में, आप मेरी बात के लिए मत सही मानो, लेकिन आप इस डेस्टोमोना से पूछ लो। अब डेस्टोमोना को सामने खड़ा किया जाता है, डेस्टोमोना कहती है कि मैं पिताजी को बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है पूरे होश आवाज में किया है, ना मेरे ऊपर किसी जादू टोने का असर है, ना ही किसी दवा का असर है, और मैंने अब इनके लिए अपना पति मान लिया है, तो यही मेरे पति है और इनके साथ में रहूंगी। तो अब ड्यूक की समझ में आता है कि इतना बड़ा जनरल, डेस्टोमोना ने गवाही उसकी दे दी, उधर तुरंत ड्यूक के लिए खबरें मिल रही होती हैं कि साइप्रस पे अटैक होने वाला है, वेनिस पे अटैक होने वाला है, और कौन लोग अटैक करेंगे, टर्की के, जो तुर्किस्तान है टर्की के लोग अटैक करेंगे। तो अब ड्यूक के दिमाग में दो बातें चल रही हैं कि इस अटैक में, इस युद्ध में जो हम लोगों के ऊपर होने वाला है, साइप्रस और वेनिस पे होने वाला है, इस अटैक के लिए हमारे लिए बहुत बड़े सैनिक, बहुत बड़े योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी, और उथैलो उनमें से एक है, और उथैलो हमारे बहुत काम में आ सकता है। अब ड्यूक के सामने बहुत बड़ा संकट कि भाई उथैलो को सजा दें तो दें कैसे, उथैलो के लिए, उथैलो के पक्ष में तो डेस्टोमोना ने बोला, और उथैलो बिल्कुल पाक साफ भी है, तो और उसने सोचा कि चलो उथैलो की कोर्ट मैरिज करा देते हैं, उथैलो की उनकी शादी जो है राइट ठहरा दी जाती है। अब होता क्या है, उथैलो से कहा जाता है कि देखिए भाई ऐसा है, चलो अलाउ करते हैं आपकी शादी जो है राइटफुल है, ठीक है,
लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा, आप साइप्रस जाइए, मोंटेनो से मिलिए और मोंटेनो की सेना को लेकर, अपनी सेना को लेकर आपको टर्किश इन्वेशन, टर्किश अटैक से रक्षा करना है और टर्की के लोगों को रोकना है और हमें सुरक्षित करना है। उथैलो कहता है, जो आज्ञा हुजूर। उथैलो डेस्डेमोना से कहता है कि तुम यागो के साथ में आना। कैसियो से कहता है आप सबसे पहले पहुंचिए। सबसे पहले कैसियो पहुंचता है, इसके बाद में यागो, डेस्डेमोना पहुंचती है, लास्ट में उथैलो जाता है साइप्रस। और जब ये वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक इंफॉर्मेशन मिलती है, एक खबर मिलती है कि टर्की की जो सेना थी, पूरा का पूरा फ्लीट, पूरा का पूरा फौज, वो समुद्र में एक तूफान आया और वहां पर डूब के मर गई। अब जब वहां पर सारी की सारा सेना डूब गई तो युद्ध का सवाल ही नहीं है, वहां पर जश्न होने लगा। डेस्डेमोना सभी लोग जो है जश्न मना रहे हैं, यागो जश्न मना रहा है और यागो रोडरिक यागो से कहता है, रोडरिक यागो से कहता है कि तेरे लिए डेस्डेमोना चाहिए तो पैसा भर ले कट्टे में, पैसा ज्यादा से लेके चलो और वहां पे मैं डेस्डेमोना जो है तुम्हें दिला दूंगा। यू विल इफ यू वांट टू बीस द हैंड ऑफ डेस्डेमोना। वो कहता है ढेर सारे पैसे, क्योंकि वो पैसे वाला था। अब रोडरिक यागो कहता है पैसा कितना ही खर्च हो जाए, डेस्डेमोना से शादी हो जाए। अब वो पैसे लेके जाता है ज्यादा से, और यागो खूब पैसे उसके खर्च कराता है, खूब पैसे खर्च कराता है। और जो कि आप देखिए यागो के दिमाग में वही चल रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मुझे कैसियो को बर्बाद करना है और सबसे पहले उथैलो को बर्बाद करना है, क्योंकि उथैलो ने जो पद मुझे मिलना चाहिए वो कैसियो को दिया। आप जानते हो क्या होता है, जो कैसियो है वो कैसियो के लिए शराब पिलाता है, शराब पिलाने के बाद में रोड्रिगो को शराब पिलाता है, मोंटेनो को शराब पिलाता है और ये आपस में लड़ जाते हैं। कैसियो इतना नाराज होता है, मोंटेनो को तलवार से घायल कर देता है, मोंटेनो को माने गवर्नर को घायल कर देता है। जब वहां के गवर्नर घायल हो जाता है मोंटेनो, तो क्या होता है, ये बात उथैलो को अच्छी नहीं लगती और उथैलो जो है कैसियो को सस्पेंड कर देता है, उसके लिए बर्खास्त कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। अब कैसियो रोता है कि मुझे टर्मिनेट कर दिया, मुझे सस्पेंड कर दिया, मैं पद पे कैसा रहूं। लेकिन यागो अब भी चैन से नहीं बैठा है। यागो कहता है अभी तो मैंने कैसियो को सस्पेंड कराया, अभी तो मुझे उथैलो को मरवाना है, फिर इसकी पत्नी को मरवाना है। अब यागो जो है कैसियो के पास में जाता है, वो कहता है क्या हो गया अभी। तो कैसियो कहता है कि मैंने भाई मोंटेनो को घायल कर दिया है, मुझे सस्पेंड कर दिया गया, तो बताओ क्या करें। तो वो कहता है अरे उथैलो तुम्हारी नहीं सुनेगा, उथैलो की पत्नी से कहो, असली जनरल तो वो है। अब कैसियो उसके कहने से डेस्डेमोना के पास में जाता है, डेस्डेमोना से रिक्वेस्ट करता है कि मेरा पद वापस दिला दो। बहुत ज्यादा गिल्टलेस होती है, इनोसेंट होती है, भोली भाली होती है। वो कहते हैं ठीक है, हम आपकी जो है सिफारिश करेंगे, आपकी वकालत करेंगे। उथैलो जब शाम के लिए आता है तो उसकी बहुत ज़्यादा भूरी भूरी तारीफ करती है कि लड़का बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, वो वास्तव में लेफ्टिनेंट बनने के लायक है, उसे बना देना दोबारा। अब उधर कैसियो जो है अब उथैलो के पास में जाता है, उथैलो से कहता है कि साहब एक बात सुनिए, तुम्हारी पत्नी का लगाव है कैसियो के साथ। अरे उथैलो कहता है कि अभी दो दिन पहले, कुछ दिन पहले जो है मेरी पत्नी ने तारीफ की थी कैसियो की, कहीं ये बात सच तो नहीं है। अब क्या होता है, उथैलो के दिमाग में आता है कि यागो बिल्कुल सही है। अब वो कहता है कि यागो तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। अब यागो कहता है कि अच्छा अब तो मुझे मजा, यागो को लेफ्टिनेंट प्रमोशन मिल जाता है। अब वो उथैलो से कहता है कि तुम मुझे मेरी हेल्प करो और भी राज ढूंढने के लिए। वो कहता है साहब पक्का सबूत दूंगा। अब यागो देखिए क्या कहता है, यागो के दिमाग में वो ये जेलेसी भरी हुई कि इसने सबसे पहले मुझे क्यों नहीं बनाया लेफ्टिनेंट, क्योंकि ईर्ष्या तो कभी खत्म नहीं होती है, वो एक शेर नहीं है कि माया मरे वो माया तृष्णा नामरी मरमर गए शरीर, तो एक ऐसा ही संस्कृत में है कि ईर्ष्या कभी ख़त्म नहीं होती और जिसके दिमाग में है वो रहेगी। तो यागो के दिमाग में थी शुरू से ही और यागो के दिमाग में अब है, क्योंकि यागो के दिमाग में तो तभी उसको चैन मिलेगा ना जब उथैलो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अब वो अपनी पत्नी इमेलिया से कहता है कि इमेलिया
ऐसा करो, वो डेस्टमोना पे वो है एक हैंकी, हैंडकरचीफ है, वो तुम मुझे ला के दे देना। और इमेलिया बहुत ज़्यादा सीधी सादी होती है, वो कहती है ठीक है मैं ले आऊँगी। एक दिन क्या होता है, उथैलो आता है, उथैलो जो है बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, तो डेस्डिमोना कहते हैं लाओ मैं हैंकी से तुम्हारा सर दबा दूं। लेकिन उथैलो के दिमाग में वो ही चल रहा है कि मेरी पत्नी करेक्टर लूज है, मेरी पत्नी जो है अनफेथफुल है, अनग्रेटफुल है, तो वो हाथ हटा देता है तो रूमाल जो है वो नीचे गिर जाता है और डेस्डिमोना बड़ी चिंतित हो जाती है, वो रूमाल को उठा नहीं पाती है और इमेलिया को भी मिल जाता है। इमेलिया कहती है अरे मेरे पति ने यही तो मंगाया था, लाओ मैं ले चलती हूँ। अब वो रूमाल जो है वो यागो को दे देती है। अब यागो देखो उस हैंकी का क्या करता है, उस हैंडकरचीफ को क्या करता है, वो हैंडकरचीफ जो है उसके कैसियो के बेड पर रख देता है। कैसियो उस हैंडकरचीफ को देखता है, अब वो देखता है वो कहता है अरे बहुत ही अच्छा हैंडकरचीफ है, ये तो उथैलो की मम्मी का है, इस पे लीची के जो है डिजाइनिंग है, स्ट्रॉबेरी की डिजाइन बनी हुई है। वो अपनी प्रेम का बियानका से कहता है कि देखो ये हैंकी लेके जाओ और ऐसी ऐसी डिजाइन का हैंकी का ऑर्डर दे दो। अब उथैलो जो है यागो से फिर कहता है कि बताओ मेरी पत्नी के बारे में कोई न्यूज और दो। यागो कहता है अब सुनो पक्का सबूत, चलो जरा उथैलो के घर पर, उथैलो के बेड पर देखो, उथैलो के बेड पर देखो ये हैंकी है तुम्हारी पत्नी का ही तो है, इस हैंकी के लिए वो रात में किस करता है और इसको सीने से लगा कर सोता है, ये तुम्हारी पत्नी ने दिया था इसे। अरे उथैलो के दिमाग में आता अरे भाई ये हैंकी यहाँ पर, अब तो मेरी पत्नी जो है बहुत बड़ी करेक्टर लूज, अब तो मैं मारूंगा ही मारूंगा इसे। अब वो कहता है कि भाई ऐसा करो यागो, यागो कैसियो को तुम मारो, अपनी पत्नी को मैं मारूंगा, दोनों हैं नालायक। अब यागो कहता है साहब ठीक है कैसियो को हम मार डालेंगे, पत्नी को तुम मार डालो। अब होता क्या है, लाइट लेकर टॉर्च लेकर उथैलो जाता है, उसकी पत्नी जो है बेड पर सो रही होती है, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह लग रही होती है। अब वो सोचता है कि इतना सुंदर महिला और कितनी करेक्टर लूज है, कितनी चरित्रहीन है, लेकिन अब मैं इसे नहीं मारता हूँ तो ये सुधरेगी नहीं, तो इसलिए मारना ही जरूरी है। अब वो सोचता है अगर मैं इसको वैसे मारूंगा तो खून निकलेगा, इसका चेहरा बड़ा सुंदर है, इसके चेहरे पर खून खून आएगा तो इसका चेहरा जो है वैसा हो जाएगा, बदसूरत तो अगली हो जाएगा, तो कहता है कि इसका चेहरा भी ना बिगड़े और तकिया से उसका गला दबा देता है, वो मर जाती है, स्मोथर्ज करता है। अब वो मर जाती है। उधर क्या होता है, कैसियो कैसियो में और यागो में और रोड्रिगो में लड़ाई हो जाती है। अब रोड्रिगो को जो है कैसियो को घायल कर देता है और कैसियो चीखता है, कैसियो जो है रोड्रिगो को घायल कर देता है, रोड्रिगो चीखता है। अब यागो जो है अपनी तलवार निकालता है और रोड्रिगो के पेट में मार देता है, इस तरीके से रोड्रिगो मर जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो फिर से कहेगा मेरे पैसे सब लूट लिए और मुझे डेस्डिमोना नहीं मिली। तो यागो जो है सबसे पहले रोड्रिगो का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद में आता है अंदर, और इससे पहले इमेलिया आती है। इमेलिया जब आती है वो कहती है अरे आज मालकिन नहीं उठी। अब वक्त की बात होती है, वो थोड़ी देर के लिए उसी समय जिंदा हो जाती है। जब जिंदा हो जाती है तभी तुरंत जो है वो थैलो करने कहने लगता है कि मैंने इसे मारा, मैंने इसलिए मारा क्योंकि ये जो चरित्रहीन थी। अब देखिए डेस्डिमोना जवाब देती है, डेस्डिमोना कहती है कि मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं पाक साफ हूं और मैं जो हूँ एक एक चीज का सबूत दे सकती हूँ, मैं पाक साफ हूँ। फिर वो हैंकी का जिक्र करता है तो वो कहता है हैंकी, फिर इसके बाद में इमेलिया तुरंत कहती है अरे हैंकी तो मैं उठा के लेके गई थी, हैंकी मैंने अपने पति को दिया। और इमेलिया खुद कहने लगती है कि अरे इस षड्यंत्र के पीछे मुझे लग रहा है मेरे पति का हाथ है, और ये सब कहानी आवाज बोलचाल हो रही होती है। तुरंत जो है डेस्डिमोना मर जाती है, तब तक उसका पति यागो भी आ जाता है और भी बहुत सारे जो है सीनेटर्स आ जाते हैं। अब वहां पर क्या होता है, उसकी जो पत्नी है मरते समय एक बात और कह गई थी कि मेरा जो पति है उथैलो ये बहुत प्यारा है और ये निर्दोष है, इसने जो मुझे मारा है वो गलत फहमी में मारा है, मुझ पे शक करके मारा है, और
ये भी निर्दोष है क्योंकि ये तो गलत फहमी के शिकार थे और इस वजह से इन्होंने मार दिया, लेकिन ये भी जो हैं गिल्टलेस हैं, ये भी अपराधी हैं, ये भी इनोसेंट हैं, इनके लिए भी इमालिया तुम क्षमा करा देना क्योंकि इन्होंने भी मुझे गलत फहमी में मारा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ओथेलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है यागो को देखकर, यागो की तरफ वो तलवार लेकर जाता है और यागो को घायल कर देता है। और अब उसे अपने आप पर इतनी ज़्यादा गिलानी होती है, वही तलवार जो अपने मार लेता है सुसाइड कर लेता है और ख़त्म हो जाता है। अब होता क्या है, लोडोविको सामने आते हैं और लेटर लिखते हैं कि साइप्रस का गवर्नर, साइप्रस की जो पावर है वो कैसियो के हाथ में दी जाती है, कैसियो पूरी सत्ता को संभालेंगे। कैसियो जो है तुरंत यागो को अरेस्ट करा लेते हैं और यागो को जो है जेल भिजवा देते हैं। तो यहाँ पे ही प्यारे बच्चों कहानी एंड हो जाती है। इसके बाद में हम आपके लिए जो है बहुत ही सुंदर से 25 क्वेश्चंस बताएंगे। 25 क्वेश्चंस बताने के बाद में एनालिसिस बताएंगे और एनालिसिस बताने के बाद में हम आपके लिए जो है बहुत ही सुंदर स्पीचेज पढ़ाएंगे और इसके बाद में हम आपके लिए रिटन समरी देंगे लिखी लिखाई। ये मैंने आपके लिए ओरल समरी दी, तो ये बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है। और ये जो वीडियो हैं, अब प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे दो चैनल हैं, एक चैनल का नाम है इंग्लिश बाय राजू प्रजापति, इस पे एनसी से लेकर वैसे तो इंटरमीडिएट तक की वीडियोज आपको मिलेंगी, लेकिन अब सारी की सारी वीडियो इस चैनल पे भी मिलेंगी। और एक स्पेशल चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश बाय राजू प्रजापति, इस पे टीजीटी पीजीटी की वीडियो मिलेंगी, एलटी की वीडियो मिलेंगी, नेट की वीडियो मिलेंगी और जो टफ ग्रामर है और टफ ट्रांसलेशन है वो वीडियोज मिलेंगी। तो आप टीजीटी पीजीटी के बच्चे जो हैं इंग्लिश बाय राजू प्रजापति को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम का चैनल है और अभी थोड़े से हम बिजी हो गए थे और अभी दो चार दिन और बिजी रहेंगे, इसके बाद में जो है कंटिन्यू आपके लिए पढ़ाएंगे। एक ऐलान हम फिर से कर चुके हैं, फिर से क्या, पहला ही ऐलान है, इससे पहले तो ऑफलाइन पढ़ाते थे शहर में, लेकिन अब जो एलटी की वैकेंसी आएगी तो 3 से 5 का हमारा टाइम रहेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों के लिए पढ़ाएंगे। बस सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का मन सिर्फ ये है कि आप सभी लोग हमारी सपोर्ट करेंगे और हम आपके लिए फ्री पढ़ाएंगे, और सपोर्ट नहीं भी करेंगे तब भी हम आपके लिए पढ़ाएंगे क्योंकि हम तो सर हैं, हम तो गुरु हैं और हर गुरु चाहता है कि मेरा बच्चा जो है बुलंदी के शिखर पर पहुंचे। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे हमसे पढ़े थे टीजीटी पीजीटी, आज वो लेक्चरर हैं और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। जो बच्चे मुझे देख रहे होंगे, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, उन्हें मालूम है कि कौन कौन से बच्चे जो हैं सर के पढ़ाए हुए जो हैं, कोई टीजीटी अपॉइंटेड है, कोई पीजीटी अपॉइंटेड है। और तो एलटी की वैकेंसी मुझे लग रहा है कि सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के लास्ट में आ जाएगी और तभी से हमारा जो है ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो पहला चैनल है इंग्लिश बाय राजू प्रजापति, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए जो है और भी आपकी जितनी भी संभव हो सकेगी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा मटेरियल दें, ऑथेंटिक मटेरियल दें, बिल्कुल जेन्युइन मटेरियल दें। रही बात जो है ग्रामर की, वोकैब की, तो बहुत ही अच्छी अच्छी मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, ऐसी ग्रामर पढ़ाऊंगा, ऐसी वोकैब आपको देखने को मिलेगी, आप कहेंगे कि सर आपका लाख लाख शुक्रिया। अभी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया हूँ, थोड़ा सा बिजी रहा मैं और भी धीरे धीरे जो है अब मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज के लिए आप देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपके लिए समरी बताई थी, ओरल समरी बताई थी, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो चल रहा है अब वो हम पढ़ाएंगे एनालिसिस, कि इससे हमारे लिए क्या विश्लेषण मिला और क्या हमारा इसका जो है मेन मेन पॉइंट निकल के आया, इसे हम कहते हैं एनालिसिस माने विश्लेषण। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आया कि इसकी जो है हीरोइन कौन है, तो आपको मालूम है इसकी जो हीरोइन है वो कौन है, डेस्डेमोना। भाई डेस्डेमोना ही तो है, मरने के बाद भी वो कह रही है मेरा पति निर्दोष है, वरना आज की महिला तो शायद मैं समझता हूँ नहीं कहेगी। तो लेकिन ये हीरोइन का ही एक पॉइंट है, कितनी कुर्बानी देती है, कि हीरोइन कौन है, डेस्डेमोना। डेस्डेमोना एक हीरोइन है और ये भी देखेंगे कि डेस्डेमोना एक डिवोटेड है। अब आप यहां पे लिख दो डेस्डेमोना इज डिवोटेड, डिवोटेड टू हर हस्बैंड।
देखिए बच्चों, ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉइंट बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि डेस्डेमोना जो है किसके लिए जानी जाती है। तो डेस्डेमोना इज डिवोटेड, डेस्डेमोना इज डिवोटेड, डेस्डेमोना इज डिवोटेड टू हर हस्बैंड, या फिर इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, डेस्डेमोना, डेस्डेमोना इज नन, डेस्डेमोना इज नन फॉर डिवोशन, फॉर डिवोशन टू हर हस्बैंड, माने पूरी तरीके से समर्पित थी, मरने के बाद भी वो इमालिया से कह गई कि मेरा पति जो है वो बिल्कुल निर्दोष है, इन्होंने जो मुझे मारा है वो सिर्फ डाउट की वजह से मारा है और गलत फहमी की वजह से मारा है, और वैसे ये मुझे नहीं मारते, वैसे ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो डेस्डेमोना इज नन फॉर डिवोशन टू हर हस्बैंड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें जो फूल है, फूल कौन है, क्लाउन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद क्लाउन है इसमें। अगला हम देखेंगे मैरिज, किसकी शादी किससे हुई, तो इसमें जो है शादी किससे हुई, ओथेलो की शादी हो गई, ओथेलो इज मैरिड टू, ओथेलो की शादी किससे हो जाती है, टू डेस्डेमोना, भले रन अवे मैरिज थी लेकिन शादी तो होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विलेन कौन है इसमें, गद्दार कौन है, तो गद्दार तो आपको मालूम है अच्छी तरीके से, यागो है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हैमर्सिया, हैमर्सिया, हैमर्सिया का मतलब जानते हो, हैमर्सिया का मतलब होता है मौत का कारण, माने ओथेलो की मौत का कारण क्या था, तो ओथेलो की मौत का कारण था जेलेसी, ईर्ष्या, नफरत की वजह से वो जो है मर जाता है। अगला जो हमारा एनालिसिस में पॉइंट आता है कि बॉलीवुड में एक फिल्म बन चुकी है ओथेलो के ऊपर, कौन सी फिल्म बन चुकी है बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म जिसका नाम है ओमकारा, ओमकारा ये फिल्म बन चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है एसटी कॉलेज ने देखो क्या कहा है, एसटी कॉलेज ने एक सेंटेंस बोला है, कौन सा सेंटेंस बोला है एसटी कॉलेज ने, ओथेलो डिड नॉट किल, डिड नॉट किल डेस्डेमोना इन जेलेसी बट इन कन्विक्शन, बट इन कन्विक्शन फोर्स्ड अपॉन हिम बाय यागो। तो एसटी कॉलेज ने ये सेंटेंस बोला था कि ओथेलो डिड नॉट किल डेस्डेमोना इन जेलेसी, माने ओथेलो ने डेस्डेमोना को जेलेसी में नहीं मारा था, बट माने किंतु इन कन्विक्शन माना था भरोसे में मारा था, फोर्स्ड माने जो भरोसा जमाया गया था, हिम माने उसके ऊपर, बाय यागो माना था यागो के द्वारा, भाई जेलेसी थोड़ी थी बल्कि एक कन्विक्शन माने भरोसा, फोर्स माना था भरोसा जमा दिया था उसके ऊपर, भाई यागो मानता था यागो के द्वारा। तो ये इसका एनालिसिस था। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी एनालिसिस में से क्वेश्चन आया तो इसी में से आ जाएगा, और इसके बाद में जो है आपके लिए जो है 25 क्वेश्चंस हम बताएंगे, माने ओथेलो की पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं, उसकी थोड़ी सी भी स्टडी करेंगे तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा। थैंक यू प्यारे, देखिए प्यारे बच्चों, अब हम आपके लिए ये 25 क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द हैंडकरचीफ, माने कौन सा पैटर्न माना होता है नमूना, बच्चों हिंदी भी समझ लेना ध्यान से, कौन सा नमूना एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है बना हुआ है, कड़ा हुआ है ऑन द हैंडकरचीफ, तो डायरेक्ट मैं आंसर पकड़ता हूँ, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जो होती है ना लीची बनी हुई है, माने लीची की डिजाइन बनी हुई है उस पर, तो ये डायरेक्ट आप याद कर लो। हाउ द टर्किश फ्लीट थवर्टेड, देखिए हाउ माने किस तरीके से, टर्किश माना होता है टर्किश की, और फ्लीट माना होता है फौज, माने टर्की की फौज किस तरीके से थवर्टेड मीन्स होता है खत्म हो जाती है,
तो कैसे ख़त्म होती है, तो आपको मालूम है बाई ए स्टॉर्म, माने उसमें क्या हो गया था, तूफान आ गया था समुद्र में। व्हाट रैंक डज कैसियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम। अब देखिए, व्हाट माने कौन सा, रैंक माने पद, कौन सा पद कैसियो होल्ड माने होता रखता था, या कौन सा पद कैसियो रखता है, बिफोर माने पहले ओथेलो ने स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मीन्स होता है फीते, स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम। देखो स्ट्रिप्स फ्रॉम का मतलब होता है फीते उतारना, जब वह उसके फीते उतारता है, क्योंकि उसने मोंटियानो को घायल कर दिया था, तो जब उसके फीते उतार देता है और कहता है कि आपको जो है सस्पेंड किया जाता है, फीते उतार लेता हूँ मैं आपके, तो इससे पहले वो कौन सा पद रखता था, ल्यूटिनेंट का, लेफ्टिनेंट था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एपिथेट इज नॉट अप्लाइड टू ओथेलो ड्यूरिंग द प्ले। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग माना होता है कौन सा एनिमल, माना होता है एनिमल का एपिथेट माना होता है नाम, कौन सा जानवर का नाम नहीं अप्लाई किया गया ओथेलो के लिए, ड्यूरिंग द प्ले माना होता है प्ले के दौरान, तो उसके लिए जानते हो क्या है, उसके लिए मेड़ा कहा गया, रैम माना होता है मेड़ा कहा गया, हॉर्स माना होता है घोड़ा कहा गया, सर्वेंट माने सांप कहा गया, या आस माने गधा कहा गया। तो आपको मालूम है उसके माने ओथेलो को सभी तरह की गालियाँ दी गई, उसके लिए रैम भी कहा गया, मेड़ा भी कहा गया, हॉर्स भी कहा गया, गधा भी कहा गया, लेकिन सांप नहीं कहा गया, तो यही जो नाम है वो अप्लाई नहीं किया गया। हाउ ओल्ड इज यागो, यागो जो है कितने वर्ष का है, 28 साल इसकी उम्र दिखाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द बीस्ट विद टू बैग्स। व्हाट माने क्या, एज माने है, बीस्ट माने उस जानवर को हम क्या कहते हैं, विद टू बैग्स, जिसकी दो पीठ होती हैं, जिसकी दो पीठ होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, टू पीपल हैविंग सेक्स माने दो लोग, हैविंग सेक्स माने सेक्स करते हुए, तभी तो दो पीठ होंगी, इस तरीके से ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। व्हाट इज ब्रावेंजियोस पोजिशन इन बेनिस, बेनिस में जो है ब्रावेंसियो, ब्रावेंसियो या ब्रावेंजियो की पोजिशन क्या है, वो सीनेटर होते हैं, सांसद होते हैं वहाँ के। वेयर डज, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डज यागो टेल रोड्रिगो दैट ओथेलो एंड डेज़्डेमोना आर सेलिंग टू फ्रॉम साइप्रस। वेयर माने कहाँ पर, यागो टेल रोड्रिगो, यागो कहाँ पर रोड्रिगो को बताता है कि ओथेलो डेज़्डेमोना जो है वो सेल मान होता है समुद्री जहाज से जाने वाले हैं फ्रॉम साइप्रस, साइप्रस से, वो जगह कौन सी होती है, वो जगह होती है मॉरिटानियो, मॉरिटानियो नाम की एक जगह होती है, वहाँ पर जो है यागो रोड्रिगो को बताता है। नेक्स्ट है, हु मेड द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। हु माने किसने, और मेड माने बनाया, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ को किसने बनाया, डैट माने जो कि ओथेलो, ओथेलो ने इनहेरिटेड माना होता है प्राप्त किया था फ्रॉम हिज मदर माना होता है अपनी मम्मी से। तो आपको मालूम है इस हैंडकरचीफ को किसने बनाया, और ये हैंडकरचीफ बनाकर किसको दिया गया था, ओथेलो की मम्मी को। तो किसने दिया था, एक सिबली, एक सिबली नाम की एक जंगली लड़की थी, उसने दिया था, या फीमेल माना होता है महिला, और प्रॉफिट मीन्स होता है साधु, एक महिला मठ निवासिनी ने इस हैंडकरचीफ को बनाया था। तो इसका आंसर ये है, हु फर्स्ट अट्रैक्टेड डेज़्डेमोना टू ओथेलो। हु माने व्हाट माना होता है किसने, फर्स्ट माने सबसे पहले, अट्रैक्टेड माने आकर्षित किया डेज़्डेमोना को, टू ओथेलो माने ओथेलो के प्रति, तो किसने आकर्षित किया था, द स्टोरी ही टोल्ड बाय, बे कहानियां जो उसने बताई थी अबाउट हिज पास्ट माने अपने पास्ट के बारे में, इन कहानियों ने डेज़्डेमोना को बहुत ज्यादा आकर्षित कर लिया था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रैंक डज यागो बिग्रजिंगली होल्ड। आप देखो बिग्रजिंगली माना होता है शिकायत करते हुए, कौन सा पद यागो शिकायत करते हुए होल्ड माने रखता है, तो कौन सा पद होता है, एनसाइन का, एनसाइन माने क्या होता है, एनसाइन माने होता है एक सोल्जर, एक सैनिक होता है, एक सैनिक होता है, उसे हम कहते हैं एनसाइन, एनसाइन, एनसाइन माने होता है एक सैनिक, तो कौन सा पद उस पर होता है, एनसाइन का, तो आप लोग इसको रट लेना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम हुम माने किससे डेज़्डेमोना फर्स्ट माने पहली बार हेयर माने सुनती है, दिस सॉन्ग ऑफ बिलो, बिलो नाम का जो गाना होता है वो किससे सुनती है डेज़्डेमोना, ये गाना वो सुनती है हर मदर्स मेड, हर मदर्स मेड, और उस मेड का नाम क्या था, बार्बी, उससे ये गाना सबसे पहले उसके मुंह सुनती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिटेट, एपिटेट माना होता है बर्ड, कौन सा शब्द इज मोस्टली कॉमनली अप्लाइड टू यागो, यागो के लिए कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा योग होता है थ्रू द प्ले। भाई ऑनेस्ट उसको कहा जाता है बार बार जो है यागो क्या होता है, ओथेलो के कान भर देता है कि साहब ऐसे नहीं ऐसे, तो ओथेलो कहता है अरे भाई तुम तो बहुत ज्यादा ईमानदार हो, हालांकि वो बहुत ज्यादा बेईमान होता है।
हुज डेथ माने किसकी मौत, ग्राजियानो रिपोर्ट, रिपोर्ट ग्राजियानो, ग्राजियानो माने होता है ग्रासियानो, रिपोर्ट माने बताते हैं इन दी फाइनल सीन। तो ग्राजियानो उसका भाई क्या बताता है कि मेरे भाई ब्राबेंजियो की मौत हो गई है। विच ऑफ द कैसियोस वीकनेस माने कैसियो की जो वीकनेस क्या थी, जो यागो, जिसको यागो क्या करता है, उसका एक्सप्लॉइट करता है, उसका शोषण करता है, वही थी एल्कोहल, शराब पीने वाली। इसके बाद में 16 क्वेश्चन है, हुम डज यागो रेफर एज टू द ट्रू जनरल, हु माने किसके लिए, यागो माने यागो रेफर माने बताता है, यागो किसको बताता है ट्रू जनरल, वो कहता है कि ट्रू जनरल तो वो है डेस्डेमोना, डेस्डेमोना मेन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डज ओथेलो किल डेस्डेमोना, डेस्डेमोना को जो है वो किस तरीके से मारता है, इस्मोथर्स ही माने बह, इस्मोथर्स मान होता है तकिया से गला दबा देना हर, तो इसका आंसर ये है ही स्मोथज हर, वह उसका तकिया से गला दबा के मार देता है ताकि खून ना निकले, खून निकलेगा तो उसका खूबसूरत शरीर बेकार हो जाएगा, तो इसलिए उसने सोचा मैं इसको ऐसे मारूंगा कि इसके जिस्म से खून निकले ना निकले। वार्ड अकॉर्डिंग टू यागो, यागो के अनुसार कौन सी चीज इज माने है, ग्रीन आइड मोनेस्टर माना होता है हरी आंख वाला राक्षस, तो हरी आंख वाला राक्षस जो है वो किसे कहता है, जेलिसी, ईर्ष्या करने वाले लोगों की आंख ऐसा माना जाता है जैसे हरी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हुम डज कैसियो वुंड इन द ड्रंकन ब्रॉल ऑफ एक्ट सेकंड, तो कैसियो जो है किसके लिए वुंड कर देता है, किसके लिए घायल करता है, आपको मालूम है मोंटेनो को घायल कर देता है भाई, कैसियो वुंड माने घायल कर देता है, ड्रंकन माने होता है ड्रंकन माने शराब की, ब्रॉल माने स्थिति में, और किसे घायल करता है, मोंटेनो को। विद हुम कैसियो डाइन, विद हुम माने किसके साथ कैसियो डाइन मनाता है, रात का नाश्ता करता है, ही इज स्टेप मनाता है उसके छुरा लगने से पहले, तो किसके साथ वो नाश्ता करता है, बयान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज ओथेलो होल्डिंग एज ही स्टैंड ओवर द स्लीपिंग डेस्डेमोना, आप देखिए वार्ड माने क्या, ओथेलो होल्डिंग माने क्या पकड़े हुए, तो सीधे सीधे मालूम है आपके लिए क्या पकड़े हुए, लाइट, हाँ एक टॉर्च पकड़े हुए, एक लाइट पकड़े हुए। हुई दे फर्स्ट करेक्टर, सबसे पहला करेक्टर कौन सा है, टू रेफर टू ओथेलो बाय नेम, सबसे पहला करेक्टर कौन सा है, हु माने कौन, इज माने है सबसे पहला करेक्टर, टू रेफर टू ओथेलो बाई नेम माने ओथेलो को नाम लेकर कौन सा, कौन पुकारता है, ड्यूक ही तो पुकारेगा, और कौन उसे कह सकता है उसका नाम, और कौन ले सकता है। अकॉर्डिंग टू लोडोविकोस लेटर, लोडोविको के लेटर के अनुसार हु इज टू रिप्लेस ओथेलो एज द गवर्नर ऑफ साइप्रस माने साइप्रस का जो गवर्नर है किसे बना दिया जाता है, कैसियो को। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ व्हाट डज डेस्डेमोना आस्क इमेलिया टू डू, ऑन द नाइट ऑफ अर डेथ माना होता है माने उनकी मौत की रात, डेस्डेमोना आस्क माना होता है कहती है इमेलिया से टू डू, वो क्या करने को कहती है, देखिए क्या करने को कहती है, ध्यान से देखेंगे, माने पुट माने रख देना, डेस्डेमोनास बेडिंग, डेस्डेमोना की बेडिंग माना होता है शादी वाली चादर रखना है, ऑन द बेड माना होता है बेड पर, तो ये भी इसका आंसर है भाई। डेस्डेमोना माने जिस दिन जो है उसकी मौत होने वाली होती है, पता नहीं मौत ही उससे कहलवाती है कि मेरी जो शादी वाली चादर है मेरे बेड पर रख देना। व्हाट डज यागो, यागो काउंसिल माने सलाह देता है रोड्रिगो को, टू डू मान होता है करने की, यागो रोड्रिगो को क्या सलाह देता है करने की, वो कहता है क्या करता है, पुट माने रख लो, मनी माने पैसा, इन दाई पर्स माने अपने पर्स में पैसा रख लो, तभी डेस्डेमोना तुम्हें मिल पाएगी। तो प्यारे बच्चों ये 25 क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में। तो अब हम आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट स्पीचेज पढ़ाते हैं, चलिए समरी बता देते हैं, इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच पढ़ाते हैं। तो समरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है, मैंने आपके लिए पूरी बता भी दी है, तो फिर से मैं बता देता हूँ। तो ये जो स्पीच है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम पेज नंबर 1 मान लेते हैं। सबसे पहले लिखा है ओथेलो प्रमोट्स, मानता है ओथेलो क्या करता है, प्रमोशन दे देता है कैसियो को,
कैसियो का प्रमोशन कर देता है टू द पोस्ट ऑफ ल्यूटिनेंट, मानो होता है लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर। देखो बच्चों स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे हैं और टीजीटी पीजीटी के हैं और आपको ज़्यादातर मालूम ही है। यागो कंप्लेन करता है रोडर योगो से, डैट माने कि उथैलो हैज नॉट डन जस्टिस, के उथैलो ने जस्टिस माने न्याय नहीं किया है टू हिम माना था उसके साथ। ही वांट्स, वो चाहता है टू टेक रिवेंज, बदला लेना चाहता है। उथैलो हैज सेक्रेटली मैरिड डेस्डेमोना, उथैलो क्या होता है सेक्रेटली माना होता है चुपके से मैरिड माने शादी कर लेता है डेस्डेमोना से। सो माने इसलिए यागो आस्क माने कहता है रोडर योगो से, कहता है टू टेल माना होता है बताओ ये बात, ब्रावंसियो को बता दो, फादर ऑफ डेस्डेमोना को बता दो अबाउट द सेक्रेट मैरिज माने रहस्यमय शादी के बारे में। ही नोज, वो जानता है डेड मैन की ब्रावेंसियो विल बी अगेंस्ट दिस मैरिज बिकॉज उथैलो इज मूर, उसे ये मालूम था कि ब्रावेंसियो क्या होगा इस मैरिज के अगेंस्ट होगा क्योंकि उथैलो क्या है एक मूर काला हफ्सी है। देर इज माने होता है, हॉट डिस्कशन माने होता है एक विवाद खड़ा हो जाता है। राधा कॉन्फ्रेंटेशन बिटवीन द उथैलो एंड ब्रावेंसियो, जब क्या होता है कन्फ्रेंटेशन मानता है आमना सामना होता है उथैलो का और ब्रावेंसियो का आमना सामना होता है। ब्रावेंसियो गोज माना है ब्रावेंसियो जाता है टू मीट माने मिलने के लिए ड्यूक से, ड्यूक के पास जाता है मिलने के लिए एंड पुट द केस बिफोर हिम और उसके सामने केस को रखता है। द ड्यूक संबंध, ड्यूक बुलाता है उथैलो को बुलाता है नास के मुँह से कहता है पुट इज साइड, आप अपनी सफाई पेश करिए। डेस्डेमोना एंड उथैलो लव ईच अदर, डेस्डेमोना और उथैलो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं डिस्पॉट देयर डिफरेंसेस, अपने डिफरेंसेस के बावजूद भी। ड्यूक सैंड, ड्यूक भेजता है उथैलो को टू द साइप्रस, भेजता है टू स्टॉप रोकने के लिए आ टर्किश इन्वेशन, एक टर्की लोगों का इन्वेशन माना होता है युद्ध को रोकने के लिए। ही गिव्स, वो देता है डेस्डेमोना को हिज परमिशन, बट डेस्डेमोना को अपनी परमिशन भी देता है टू ट्रैवल, आप साथ जा सकती हूँ उथैलो के। उथैलो लीव, उथैलो चला जाता है। ही आस्क यागो, यागो से कहता है ब्रिंग, ले आना डेस्डेमोना को विद हिम अपने साथ। यागो परस्यूड, यागो जो है मनाता है रोडर योगो को टू कम टू साइप्रस, के साइप्रस चलो विद मनी माना होता है पैसा लेके। ही हैज ए प्लान, उसके दिमाग में एक प्लान आता है, ही विल गेट डेस्डेमोना फॉर हिम, के बह तुम्हारे लिए डेस्डेमोना देगा। ही रिवील्स, वह दिखाता है प्रदर्शित करता है हिज माने अपनी हेट्रेड माने होता है घृणा फॉर उथैलो के प्रति। ही हैचेज, हैचेज माने होता है बनाना, वह बनाता है एक प्लॉट माने होता है षड्यंत्र बनाता है फॉर उथैलो के डिस्ट्रक्शन, उथैलो के विनाश के लिए। कैसियो अराइज माने होता है कैसियो आता है इन साइप्रस माने होता है कैसियो जो है साइप्रस में आता है। यागो एंड डेस्डेमोना कम आफ्टर हिम, यागो डेस्डेमोना इनके बाद आते हैं, देन कम्स उथैलो, इसके बाद में उथैलो आता है। टर्किश फ्लीट माना होता है टर्की के जहाज, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट हो जाते हैं, इन स्टॉर्म माने तूफान में। इट इज़ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, अब ये सेलिब्रेशन का मामला हो जाता है। यागो मेक्स कैसियो ड्रिंक, यागो जो है वो कैसियो को ड्रिंक कराता है। ही इनसाइड, वह उकसाता है रोडर योगो को टू बिगिन ए क्यूरल विद कैसियो, कि कैसियो से झगड़ा कर लो। कैसियो क्या करता है इन ड्रंकन स्टेट माना होता है शराब पी की स्थिति में अटैक कर देता है माउंटेनो पे, दी साइप्रस गवर्नर पे अटैक कर देता है। उथैलो बिकम्स एंग्री एंड डिसमिसेस कैसियो, और कैसियो को डिसमिस कर देता है। यागो वांट्स टू मेक, यागो चाहता है उथैलो से टू बिलीव, ये विश्वास करे डैट उथैलो के डेस्डेमोना क्या है अनफेथफुल मान होता है बेवफा है। ही परस्यूट्स, वह परस्यूट्स मान होता है वह मनाता है कैसियो, कैसियो को मनाता है टू गो और जाओ, जाओ डेस्डेमोना के पास में जाओ फॉर हर फेवर और उसका फेवर प्राप्त करो। ही रिक्वेस्ट, वह रिक्वेस्ट करता है उससे टू प्लीड, टू प्लीड मान होता है विनती करना, हिज केस मान होता है उसके केस की आप जो है विनती करना। समाओ मान होता है कुछ भी सही, समाओ मेक्स उथैलो बिलीव, उथैलो को विश्वास हो जाता है डेट कैसियो इज डेस्डेमोनास लवर, कि कैसियो क्या है डेस्डेमोना का प्रेमी है। ही ट्रस्ट, वह भरोसा करने लगता है यागो पर, वह यागो को भरोसा करने लगता है। ही सफर्स फ्रॉम जेलेसी, उसे बड़ी जेलेसी होती है। ही प्रमोट्स यागो, वह यागो का प्रमोशन दे देता है, वह यागो को प्रमोशन देता है। ही आस्क हिम, और वह उससे कहता है हेल्प माने मुझे मदद करो मेरी इन, मदद करो मेरी इन किलिंग कैसियो, कैसियो को मारने में एंड डेस्डेमोना का मारने में। यागो हैज़ ए प्लान, यागो के दिमाग में एक प्लान होता है। ही रिक्वेस्ट, वह रिक्वेस्ट करता है हिज वाइफ मान होता है, वह अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करता है इमेलिया से टू गेट डेस्डेमोनास हैंडकरचीफ, कि डेस्डेमोना का हैंडकरचीफ ले आना। यागो ड्रॉप्स मान होता है, यागो जो है ड्रॉप्स माने डाल देता है हैंडकरचीफ इन कैसियोस रूम, कैसियो के रूम में। कैसियो गिव्स हैंडकरचीफ, कैसियो जो है ये हैंडकरचीफ दे देता है बियानका के लिए
और यागो टैल्स उथैलो उथैलो को बताता है डेस्डेमोना हैज गिवन द हैंडकरचीफ टू कैसियो, कि डेस्डेमोना ने यह हैंडकरचीफ जो है कैसियो को दे दिया है। उथैलो डिमांड्स हैंडकरचीफ, उथैलो जो है डिमांड्स करता है हैंडकरचीफ की फ्रॉम डेस्डेमोना, डेस्डेमोना से ही बिकम्स एंग्री, वह नाराज हो जाता है। वैन माने जब, सी फेल्ड जब वह असफल हो जाती है, टू प्रोड्यूस माने देने के लिए, इट माने ये हैंकी, ही अब्यूजेज वह गाली देता है, हिज वाइफ माने होता है वो अपनी पत्नी को गालियाँ देता है। यागो परस्यूड, यागो जो है परस्यूड माने मनाता है रोडर यागो को टू किल कैसियो, के कैसियो को मार दो। और रोडर यागो ट्राइज माने कोशिश करता है, बट इट गोज रॉन्ग, किंतु वो असफल हो जाता है। कैसियो बुंड्स, कैसियो क्या करता है रोडर यागो को घायल कर देता है। यागो स्टैप्स मनाता है, छुरा भोंक देता है कैसियो के। कैसियो क्राइज, कैसियो चिल्लाने लगता है। उथैलो हियर्स मान होता है, उथैलो ये सब सुनता है एंड गैसेज, और अनुमान लगाता है डैट यागो हैज किल्ड कैसियो, कि यागो ने आज कैसियो का काम तमाम कर दिया। ही गोज वह जाता है होम माने वह घर जाता है, टू किल मान होता है मारने के लिए, डेस्डेमोना को। यागो किल्स रोड्रिगो, इधर यागो जो है रोड्रिगो को मार देता है। उथैलो स्ट्रंगल, स्ट्रंगल मान होता है मुँह दबा के मार देना। उथैलो जो है स्ट्रंगल मानवता मुंह दबा के मार देता है डेस्डेमोना को, इनर बेड मानवता बिस्तर पर। इमेलिया एंटर्स, इमेलिया आती है, डेस्डेमोना रिवाइव माने जिंदा हो जाती है फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। सी डिक्लेयर्स, वो ऐलान करती है डैट सी इज गिल्टलेस, अरे ये तो निर्दोष है। सी डिक्लेयर्स, वो बताती है डैट माने कि उथैलो, उथैलो इज इनोसेंट, उथैलो क्या है निर्दोष है फॉर अ डेथ मानवता, मेरी मौत के लिए। दैन माने इसके बाद में, सी डाइज वो इतना कहते ही मर जाती है। यागो एंड अदर सेंटर, यागो और दूसरे लोग आ जाते हैं। इमेलिया चाइल्ड उथैलो, इमेलिया जो है वो उथैलो को बताती है डैट माने कि डेस्डेमोना इज इनोसेंट, के डेस्डेमोना तुम्हारी पत्नी निर्दोष है। एंड यागो इज बिहाइंड द प्लॉट, इसके पीछे जो है जो प्लॉट है, जो षड्यंत्र है वो यागो का है। यागो स्टैप्स, यागो जो है वो छुरा मार देता है इमेलिया, और इमेलिया इस तरीके से मर जाती है। आप क्या होता है उथैलो रिलाइजेज मान होता है, उथैलो को भरोसा हो जाता है, ही मिस्टेक मान होता है, वो सोच लेता है कि अब मुझसे गलती हो गई। ही लैमेंट्स, वह बिलाप करता है। ही स्टैप्स, वह छुरा भोंक देता है, किसके छुरा भोंकता है यागो के, यागो के छुरा भोंक देता है ओनली टू बुंड हिम, उसको घायल करने के लिए। ही कंडीम्स, वह बुराई करता है, हिमसेल्फ माने अपने आप को कोसता है, एंड कमिट सुसाइड, और आत्महत्या कर लेता है। यागो इज टेकन अवे, यागो को जो है जेल ले जाया जाता है। लोडोविको गिव्स कैसियोस पावर, लोडोविको जो है कैसियो को पावर देता है टू रूल, कि आप शासन करिए इन साइप्रस, के साइप्रस में है आपको शासन करने की पावर दी जाती है। हेयर माने यहाँ पे प्ले एंड्स, यहाँ पे प्ले का एंड हो जाता है। तो ये बच्चों मैंने आपके लिए जो है समरी बताई थी, इससे भी आपको एग्जाम में मदद मिल सकती है। अब मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूँ जिसका नाम है फेमस स्पीचेज, तो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, लेट अस स्टार्ट। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम आपके लिए फेमस स्पीचेज पढ़ा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में अगर कहीं पर भी उथैलो से स्पीच आती है तो इन्हीं में से आएगी या फिर नहीं आएगी। तो पहली स्पीच है, बहुत इम्पोर्टेंट सी स्पीच है, आई विल बियर माई हर्ट अपॉन माई स्लीव, आई एम नॉट वाट आई एम। तो यागो की स्पीच है, ये एक्ट वन और सीन फर्स्ट से ली गई है। तो देखिए इसकी हिंदी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लिटरेचर की लाइन है और ये आसान नहीं है। आई विल बियर, बियर मीन्स होता है दबा लेना या छिपा लेना। मैं बियर माना होता है छिपा लूँगी, माई हार्ट माना होता है अपने दिल में मैं छिपा लूँगा, ये यागो कहते हैं। आई विल बियर, बियर मीन्स होता है दबा लेना या छुपा लेना। मैं छुपा लूँगा, माई हार्ट माना होता है मैं अपने दिल में छुपा लूँगा, अपॉन माई स्लीव और आस्तीन में छुपा लूँगा। क्या छुपा लूँगा? अपने मन की बात वो कह रहा है। आई एम, मैं हूँ, नॉट माने नहीं, वाट माने जो, आई एम मैं नहीं हूँ, वाट माने जो, आई एम जो मैं हूँ, मैंने जो मैं हूँ वो इस समय नहीं हूँ, मैंने ऊपर से कुछ हूँ, मैं अंदर से कुछ। फिर से सुनिए, आई विल बियर माना होता है मैं छुपा लूँगा, माई हार्ट अपने दिल की बात को छुपा लूँगा, अपॉन माई स्लीव और अपने दिल की बात को अपनी आस्तीन में छुपा लूँगा, आई एम नॉट मैं वो नहीं हूँ, वाट जो, आई एम जो मैं हूँ, मैं जो हूँ वो नहीं हूँ और जो मैं नहीं हूँ वो हूँ। तो नेक्स्ट स्पीच है, दो इन द ट्रेड ऑफ वार आई हैव स्लेन मैन, दो माने हालांकि, इन द ट्रेड, ट्रेड माने यहाँ पर है मैदान,
माने युद्ध के मैदान में आई हैव स्लेन माने कत्ल किए मैन माने जनता को, युद्ध के मैदान में मैंने जनता को कत्ल किया है, बहुत लोगों को कत्ल किया है। ये भी किसकी स्पीच है? यागो की एक्ट वन और सीन सेकंड की स्पीच है। यागो की अगली स्पीच और है, रेपुटेशन इज एन आइडियल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन ऑफ गॉड विदाउट मैरिज। वो कहता है रेपुटेशन मानवता है, यस सम्मान, यस और सम्मान ये क्या है? एक झूठापन है। आइडल मानवता है एक झूठापन है। एंड मोस्ट और बहुत ज्यादा, और फॉल्स मानवता है गलत, फॉल्स माने यहाँ पर गलत, और इम्पोजिशन मानवता है ये गलत दिखावा है कि हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, हम तुम्हें इज्जत दे रहे हैं। ऑफन अक्सर गॉट माने ये मिल जाता है, ये अक्सर मान सम्मान मिल जाता है। विदाउट मैरिट माने होता है बिना गुण वाले लोगों को, विदाउट माने बिना और मैरिट माने क्वालिटी। नेक्स्ट है यागो, फिर से कहता है यागो नहीं पूरा का पूरे प्ले में यागो ही तो है। अगला स्पीच ये कितनी सुंदर देता है, हाउ पुअर आर दे डेट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट बोन डिड हील व्हाट बाय डिग्रीज। यागो कहता है हाउ पुअर, ये स्पीच एक दो बार आ भी चुकी है। हाउ पुअर माने होता है कितने, यहाँ पे पुअर का मतलब है मूर्ख, कितने मूर्ख हैं। आर माने हैं, दे माने बोलोग कितने मूर्ख हैं। डेट माने जो, हैव नॉट पेशेंस माने होता है जिनके पास धैर्य नहीं है। व्हाट माने जो, यहाँ पे वाट का मतलब जो, और बुंड माने लगाए जाते हैं, जो जो घाव लगाए जाते हैं। डिड हील मान होता है सही हो जाते हैं, बट बाय डिग्रीज किंतु धीरे धीरे वो सारे घाव सही हो जाते हैं। ओ बीवियर, अरे सावधान रहना। माय लॉर्ड माने मेरे हजूर, सावधान रहना। ऑफ जेलेसी मेरी नफरत से सावधान रहना। इट इज अ ग्रीन आइड मोनेस्टर, ये हरे आंख वाला राक्षस है। ये भी यागो की स्पीच है। और ये देखो बहुत ही सुंदर स्पीच है कि महिला चाहे कैसी भी हो, लेकिन हर महिला चाहती है कि मेरा जो पति है वो राजा बन जाए। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट सी लाइन है, हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ कोखोल टू मेक हिम अ मोनार्क। हिमालया की स्पीच है, हु माने कौन, हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड, कौन अपने पति को नहीं बनाना चाहती। आ कोकोल्ड, कोकोल्ड माने होता है निष्ठाहीन महिला, निष्ठाहीन महिला या फिर एक वैश्य अभी। टू मेक माने बनाना चाहती, हिम माने अपने पति को, और मोनार्क माने राजा। एक वैश्य अभी ये चाहती कि मेरा पति जो है वो राजा बन जाए। उथैलो, फिर उथैलो यहाँ कहते हैं इट इज माने ये है, बैरी इरर ऑफ द मून, ये चांद ए चंद्रमा ये तेरी गलती है। सी कम्स बेक के वो आ गई है। अब मोर माने ज़्यादा करीब, और नियर द अर्थ माने वो कहता है ए चंद्रमा ये तेरी गलती है कि तेरी वजह से एक खूबसूरत लड़की इस दुनिया में जन्म ली है। माने सी माने बह, कम्स माने आ गई है, मोर माने ज़्यादा करीब, नियर दी अर्थ माने पृथ्वी पर। कहने का मतलब वो चंद्रमा पे दोष लगाता है कि तेरी वजह से जो है वो चंद्र, तेरा नूर पृथ्वी पर आ गया है। कहने का मतलब तू एक सुंदर लड़की को तूने जन्म दिया है। माने सी माने बह, कम्स माने आ गई, मोर माने ज़्यादा करीब, नियर दी अर्थ माने होता है पृथ्वी पर वो आ गई है, पृथ्वी पर उसने जन्म लिया है। देन माने बल्कि, सी वुडंट उसे नहीं होना चाहिए, उसे नहीं होना चाहिए। मेक्स माने वो कर रही है, मैन माने होता है लोगों को, और मैड माने पागल, उसकी सुंदरता लोगों को पागल बना रही है। वो कहता है इसका दोषी ए चंद्रमा तू है, तेरे नूर से वो पैदा हुई है इस पृथ्वी पर, और वो लोगों जो लोग उसे देख रहे हैं वो पागल हो जा रहे हैं। उथैलो लास्ट में कहता है आई किस्ड दी, मैंने मैं तेरा किस करता हूँ। ईयर माने होता है पहले, आई किल्ड दी मैं तुझे मारने से पहले तेरा किस करता हूँ। नो बे कोई रास्ता ही नहीं है, बट माने सिवाय, दिस माने इसके, और इसको इस सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों जो भी टीजीटी पीजीटी की स्टडी कर रहे हैं, मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर सा प्ले पढ़ाया उथैलो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं, और पूरा कंप्लीट मैंने पढ़ाया है। इसीलिए प्यारे बच्चों जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश बाई राजू प्रजापति। और एक हमारा चैनल और है आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर, उस पर भी वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन ये हमारा विशेष चैनल है इंग्लिश बाई राजू प्रजापति। इसको सभी बच्चे जो हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है आपके लिए। आप ये समझ लीजिए जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो बच्चे जो है ऑफलाइन पढ़ना बिल्कुल बंद कर देंगे। उनको ऐसा लगेगा कि सारी की सारी वोकैब, सारी की सारी ग्रामर हमारे लिए, सारे के सारे लिटरेरी टर्म्स इतने अच्छे ऑफलाइन भी नहीं हो सकते जितने अच्छे ऑनलाइन हो रहे हैं।
और मैंने ये पहले से ऐलान कर रखा है कि आने वाले समय में सुनने में आ रहा है कि अगस्त या सितंबर में और एलटी की वैकेंसी आ रही है। जब एलटी की वैकेंसी आएंगी तो मैं आपके लिए जो है पूरी तरीके से कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एलटी का बैच ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। और अभी मैंने जो है टीजीटी पीजीटी का बैच बंद किया 30 दिसंबर के लिए, और जैसे ही जो है कहीं पर भी एग्ज़ाम की हलचल मिलती है तो उसमें भी मैं आपके लिए जो है पढ़ाने की कोशिश करूंगा ऑनलाइन, और ऑफलाइन तो हम चलाएंगे ही चलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। जो भी वीडियो आपके पास आएगी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर होगी, और जब भी आपको समय मिले तो आप उसके लिए देख लीजिए। और आज से हम ग्रामर पढ़ाना भी स्टार्ट कर रहे हैं। और तो सबसे पहले देखिए, ग्रामर जो हम पढ़ाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाएंगे, जिस तरीके से हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा है, एक से एक एक रूल। अभी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक्सरसाइज लेके आया हूँ, और वो एक्सरसाइज मैं नाउन से लेकर लास्ट तक प्रीपोजिशन तक और कंजक्शन तक सारी की सारी एक्सरसाइज मैं आपके लिए अभी डाल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, करेक्ट इनकरेक्ट हैं। इसके बाद में जो है उसकी पूरी डिटेल बताएंगे, एक एक रूल आपके लिए बताएंगे। तो अगला जो टॉपिक है मैं आपके लिए नाउन पढ़ा रहा हूँ कि नाउन में सेंटेंस को हम करेक्ट कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, लिटरेचर में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।